गाइज, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग एंड आई होप यू आर डूइंग गुड। सो गाइज, अभी ना मतलब मेरी हेल्थ थोड़ी सी डाउन है, तो आज मैंने सोचा फिर भी कोई बात नहीं, ब्लॉग बना लेते, बिकॉज मैंने थोड़ा ठाना हुआ है कि मैं ब्लॉग बनाऊंगी और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी जो होंगी वो भी दिखाऊंगी। तो अभी मेरे ना मोशन लूज है, सो केले खा के बैठी हूँ, और जो कि मेरी मम्मी ने मंगाए हैं वो भी मेरे भाई से। मैंने कुछ खाया ही नहीं है, लेकिन अरे ये इन्फेक्शन मौसम के हिसाब से हो रहा है सब कुछ। मैं इसी बात में एक और मैगी खा लूं? नहीं, मैगी एकदम नहीं। क्यों भाई? मैगी छोड़ देने लेगा। तो मैं यही कर सकती हूँ अब कि मैं वही मैगी अपने भाई को दे सकती हूँ, बिकॉज वो खाता पीता भी है ना मैगी थोड़ा बहुत, तो मैं अपने ब्रदर को दे देती हूँ। कोई खाना मेरी जो राजवीर जी ने आप लोगों को पता हो एक नेकलेस गिफ्ट किया था, मैं वो भी मांग रही थी। मेरी जो भी डेली उसकी पहनने की चीजें थी, जो मैं चेन पहनती थी, मेरे दादाजी ने दी थी डेली, उसमें कुछ भी नहीं दिया। मैं रिकॉर्डिंग सुना दूंगी आप लोगों को। मैंने अपने अकाउंट से दिए चेक काट के साइन करके, वो मेरे को चाहिए। ठीक है, तुम्हारा क्या फीडबैक है? आजकल ऐसा हो रहा है, शादी करके सास ससुर बहुओं को नहीं पूछते। बहुत गलत है ऐसे तो, मतलब ऐसे क्यों हो रहा है? लोग लड़कियों को गलत बोलते हैं, तो तुम इन लॉज भी तो सोचो थोड़ा बहुत। अब पति नहीं है इस बेचारी का, एक वो लड़के से शादी कर रहा है वो भी नहीं है, उनके दो बच्चे तो है, तो उनके तरफ देख के तो इंसान का मन वो हो जाता कि चलो हमारे बच्चे नहीं है, बेटे नहीं है, तो उनके बच्चे है। सही बात है, लड़कियां जा रही है शादी कर करके, हाँ। लेकिन उनके ही घर पे उनको उनके हस्बैंड्स के बाद, या हस्बैंड है या नहीं है वो मैटर ही नहीं कर रहा है, मतलब कोई मैटर नहीं करता, कुछ मैटर नहीं करता बहू है कि नहीं है। मतलब इतना गंदा बिहेव हो रहा है आजकल, आज के डेज में गर्ल्स को बोलते कि लड़कियां सेटल नहीं हो पा रही है, लड़कियां ये लड़कियां वो, लेकिन इन लॉज क्या कर रहे हैं आज की डेट में वो देखने वाली बात है कि तुम एक लड़की को किस तरीके से रखते हो, किस तरीके से मैनेज करते हो, कितना टाइम देते हो उसको अपने घर पे अपनी तरह ढलने के लिए, ये सब आजकल कोई मैटर नहीं करता है। 18 साल की लड़की से भी एक्सपेक्ट करते कि वो 50 इयर्स की आंटी की तरह बिहेव करे, सारी चीज़ें एक जस्ट संभाल ले, ऐसा नहीं होता। हर चीज़ को टाइम देना पड़ता है, हस्बैंड हो चाहे इन लॉज हो, टाइम नाउडेज, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नाउडेज टू बी अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। सो या मैं तो यही बोलूँगी, लड़कियों देख दाख के शादी करो, बिकॉज आजकल शादी नहीं हो रही है, स्कैम हो रहा है हर तरफ से, लिटरली स्कैम हो रहा है। तो ये भी नहीं है कि जो ये बैठ के खा रही है, जॉब का अपना कमा रही है, जॉब ही है। लड़कियां भी फिर गर्ल्स भी किसी के संग क्यों रहेगी इन लॉज के साथ, जब तुम उनको अपनी बेटी नहीं मान रहे हो? फिर अपनी बेटी के संग होएगा तो बहुत दुख लगेगा, लेकिन दूसरी की बेटी के साथ करेंगे तो वो उनका हक है। दिस इज नॉट हक, दिस इज लिटरली आप किसी को प्रताड़ित कर रहे हो, किसी को मेंटली वो कर रहे हो आप, हैरस मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हो आप लिटरली, सो दिस इज नॉट अ गुड इनफ थिंग। मैं तो बिल्कुल इस चीज़ के खिलाफ। प्यार से लाई थी ये कि मैं खाऊंगी, लेकिन अब मैं दे देती हूँ इसको, बिकॉज अब मैं इसको खा नहीं पाऊंगी यार। मतलब ये होता है बेटे नहीं है तो वो भी नहीं है, तुम हमारे घर का कुछ नहीं लगते, और उनके बच्चे भी हो तो उसको भी कोई वो नहीं। लड़के होते ना, अगर पोता पैदा होता है तो गले से लगा लेते, फिर तो जाने नहीं देते इसको। पोती हो गई तो, अब पोती हो गई, दो लड़की है तो ये सोचे कि ये क्या करेगी। सही बात है, भेजो इसको, इनको भी अपने माँ के। तो मैं तो कह रही इनके घर में भी ना बेटी होना चाहिए, तब पता बेटी चलेगा। होते ना जब पता चलता है। सो यार मैं सोच रही हूँ थोड़ा इस सबसे थोड़ा उठ के थोड़ा चाय वाय पी जाए, थोड़ी थोड़ी तो कम से कम पीती हूँ मैं, पूछती हूँ पियोगी, बना दू थोड़ा सा, बारिश भी हो रही है ना ठंडा, थोड़ा सा चाय वाय बनाते हैं। और ये रहा हमारा चाय का। मैंने ना कोरियन वॉलपेपर भी मंगा लिया था, बिकॉज़ यहाँ सारे टाइल्स था, तो टाइल में ना इस तरीके के वॉलपेपर्स बहुत अच्छे रहते हैं, और इससे आपके टाइल्स भी सेफ, और मतलब कोई भी इसको आराम से परचेज कर सकता है, और अपने अगर टाइल्स आपको बचाने हैं ना तो आप ये आराम से लगा लो, बिकॉज आपके टाइल भी सेफ रहेंगे इससे। तो थम्स अप फ्रॉम माई साइड। बोल रही है ठीक है, अभी जाते हैं और देते हैं मम्मी को चाय, और ख़ुद भी पीती हूँ थोड़ा बहुत, थोड़ा कोल्ड वोल्ड भी हो रहा है ना वो भी ठीक हो जाएगा। चलो उबल रही है मेरी चाय। सो अभी जस्ट रेडी होते हैं और निकलते हैं फॉर कालका जी, और कालका जी से हमें कुछ सामान वामान भी लेके आना है, फिश वगैरह कुछ लेके आना था सामान, और देखते हैं वहाँ पे एक्चुअली कोलकाता से रिलेटेड थोड़े बहुत वेजीज एंड फ्रूट्स वगैरह आते रहते हैं ना, तो वो जाके भी एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं वहाँ पे भी क्या क्या है। सो चलो चलते हैं। हाँ भी होगी। अच्छा कब होगी? हो जाओ जल्दी, हमने पीले पीले दांत मत दिखाओ मम्मी। अच्छा फिर टूटे हुए दांत दिखा दो, चल नहीं होता टूटे हुए दांत, टूटे हुए मम्मी मम्मी चूचे हुए दांत। अच्छा चलो, मम्मी मेरे से इरिटेटेड है यार, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो देखो सच बोलती हूँ, लोगों को खराब लग जाती है वो बात अलग है।
If you like my video, do like, share and subscribe to my channel. Thank you so much for watching. Bye bye.